अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। कोफ्तों के लिए मैंने लिया है बीफ का कीमा। ये देखें, आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसके साथ ही मैंने ये भुने हुए चने और सूखा धनिया और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा लिया है और इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, मैंने अभी इनको ग्राइंड करना है और इसके अलावा इसमें जाएगा ये नमक मिर्च, काली मिर्ची और हल्दी। ये हाफ ऑफ टी स्पून लिया है मैंने दोनों चीज़ें, और काली मिर्च और हल्दी बहुत थोड़ी मिकदार में ली है, ये भी इस कीमे के अंदर जाएगी। और ये एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये भी इसके अंदर जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी, और एक अदद अंडा, ठीक है, अंडा भी मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। और अभी ये मसाला जो मैंने पीस लिया है ये इसके अंदर जाएगा, और ये बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर जाएगा, और ये नमक मिर्च वगैरह इसके अंदर जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। और ये एक अदद अंडा इसके अंदर जाएगा। अब इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स और इसके बनाऊँगी बॉल्स। बॉल्स बनाने के बाद उनको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करके अलहदा से रख दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखें जनाब, यहाँ पर मैं इन बॉल्स को, इन कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ से ये रेड हो जाएंगे तो उसकी जगह जो है वो टर्न कर देंगे, उसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है इनको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे ताकि ये टूटे ना, ठीक है, जब हम इसका सालन बनाएँ तो ये टूटे ना। ये कोफ्ते अगर आप लोग जो हैं वो बना के रख लें, फ्रीज कर लें, तो इनको आप आलूओं के साथ भी जो है वो पका के बना सकते हैं। आलूओं के साथ भी सालन, अंडों के साथ भी, और सादा भी ग्रेवी वाले कोफ्ते बना सकते हैं। इसके अलावा ये कोफ्ते जो हैं ये किसी भी मेहमान की आमद पर जल्दी से झटपट जो है वो तैयार हो सकते हैं, अगर ये पहले से बना के रखें। सारी मेहनत जो है वो इनकी पहले बनाने में है। तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, तो उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको बताऊंगी। मैं इस तरह से सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखें जनाब, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, और इस तरफ मैंने जो है प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया है। दो अदद बड़े प्याज लेकर मैंने इनको बारीक बारीक काटा था, अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ और कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए। कोफ्तों का चूँकि सालन बना रही हूँ इसलिए इनकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं प्याज को फ्राई करूँगी। और इस तरफ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और टमाटर काट दिए हैं। अब प्याज के अंदर ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी ताकि वो भी फ्राई हो जाए और उसकी जो स्मेल है अदरक और लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। और ये हमारा प्याज और अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो रहा है, बड़ा अच्छा इसका जो कलर आ गया है। अब इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह डाल दूँगी। पहले हमने कीमे में भी नमक मिर्च और हल्दी और काली मिर्चें डाली थी, अब इसके अंदर डालूंगी और साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी। और अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और अच्छा सा मसाला रेडी करूंगी, क्योंकि हमने बनाने हैं कोफ्तों की करी। ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए है अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब पानी का छट्टा लगाऊंगी और अच्छी तरह से इनको पकाऊंगी, भूनूंगी। और ये देखें जनाब, हमारा मसाला जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते। ये डालने के बाद जो है वो हमने ज़्यादा चम्मच या जो है डोई वगैरह नहीं चलानी, क्योंकि इनके टूटने का खतरा होता है। अभी हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर उसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमने शोरबा या ग्रेवी रखनी है। ये देखें जनाब, हमने इसमें पानी डाल दिया है और इतना पानी डाला है जिनमें ये अच्छी तरह से गल भी जाएं, क्योंकि ये बीफ के हैं इसलिए इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर हम इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गलें भी और इनकी ग्रेवी भी अच्छी बन जाए, गाढ़ी सी, ठीक है। तो
बीफ का जो कोफ्ता है उसका मज़ा और गज़ाइत बहुत ज़्यादा होती है। चिकन के कोफ्ते भी मैंने बनाए हैं लेकिन उनकी गज़ाइत इतनी ज़्यादा नहीं होती, जायका तो होता है लेकिन उस तरह से नहीं जितना कि बीफ का है। तो कोफ्ते और शामी कबाब जो हमेशा बीफ के कीमे के अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी आज इसीलिए बीफ का ही ट्राई किया है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारे कोफ्तों का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें जनाब, हमारे कोफ्तों का सालन जो है बिल्कुल रेडी है और अब हम इसकी करेंगे हरे मसाले से गार्निश। और ये देखें जनाब, हमारा कोफ्तों का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है, डिश आउट मैंने कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने बनाई है सलाद। सलाद की डिश देखें कितनी प्यारी है और इसके अंदर मैंने फ्रेश सलाद बनाई है और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने भी ट्राई किया कि नहीं, तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलूंगी किसी नई और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।